ऊर्जा की दुनिया में प्रचलित एक शब्द के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन। ये जादुई ईंधन हमारी कारों, ट्रकों, ट्रेनों, जहाजों और विमानों को चला सकता है। इस ईंधन के इस्तेमाल से जो बाय प्रोडक्ट बचता है वो पानी ही है और उसके साथ आने वाली ऊर्जा। ये सब शानदार लगता है, शायद कुछ ज्यादा ही शानदार। थोड़ा करीब से देखते हैं कि हाइड्रोजन के इस हाइप की वजह क्या है। आज जितना भी हाइड्रोजन हम पैदा करते हैं वो फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम को बनाने में काम आता है, लेकिन उतने भर से वो ईंधन नहीं बन जाता। जीवाश्म ईंधनों को जलाना हमेशा से आसान और सस्ता रहा है, लेकिन ये चीज बदलने लगी है। दुनिया जलवायु संकट को धीरे धीरे समझने लगी है, इसीलिए कंपनियां और देश के देश न सिर्फ उत्सर्जन में कटौती चाह रहे हैं, बल्कि उनका लक्ष्य है Net zero emission. ये है मेरेडिथ एनेक्स, जो एक हाइड्रोजन एनालिस्ट हैं। नेट जीरो के लिहाज से हर किसी को कुछ ना कुछ करना होगा, यानी आपको उन इलाकों में समाधान चाहिए जहां बिजली समाधान नहीं दे पा रही है। हम वहीं पर हाइड्रोजन की संभावना देखते हैं। भारी परिवहन की सफाई के लिए हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक चीन से अमेरिका जाने वाले बहुत सारे मालवाहक जहाज हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चल सकते हैं। उन्हें बस 5% कार्गो स्पेस कम करनी होगी या रिफ्यूलिंग स्टॉप जोड़ना होगा। महासागरों में हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज फिलहाल नहीं हैं, बस कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 2020 में पहले कमर्शियल आकार वाले हाइड्रोजन चालित विमान ने उड़ान भरी थी। प्रमुख विमान निर्माता कंपनी एयरबस 3 हाइड्रोजन मॉडलों पर काम कर रही है, जो उसके मुताबिक 2035 तक तैयार हो जाएंगे। लंबी दूरी की उड़ानों में मुश्किल आ सकती है, लेकिन छोटी और मध्यम दूरी की हाइड्रोजन ईंधन वाली उड़ानों से भी उड्डयन के उत्सर्जन में 1/3 कटौती होगी। ये एक बहुत ही सामान्य सा तत्व है जो बहुत पेचीदा समस्या को हल कर सकता है। वो हमारे सबसे प्रदूषणकारी सेक्टरों में उत्सर्जन को घटा सकता है, लिहाजा हमें इसकी जरूरत होगी। और यहीं पे ये चीज जरा पेचीदा सी हो जाती है, क्योंकि तमाम हाइड्रोजन एक जैसा नहीं बनता, बल्कि उसे बनाने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं। आज बनने वाले कुल हाइड्रोजन का 90% हिस्सा ग्रे हाइड्रोजन कहलाता है। ये मुख्यतः प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों से बना है। भविष्य का ईंधन जिसे हम इतना ग्रीन मानते हैं, उसे बनाना एक गंदा धंधा है। हाइड्रोजन को एक साफ ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से पहले उसके उत्पादन की सफाई करनी होगी, और इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन से हमारा आशय कार्बन सोखने और उसका भंडारण करने वाले जीवाश्म ईंधनों से है, यानी स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग की प्रक्रिया में हम प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन बनाते ही हैं। उसमें CO2 निकलती है, लेकिन ये उत्सर्जन वायुमंडल में जाएं, इससे पहले ही निर्माताओं का दावा है कि वो उन्हें रोककर जमीन के अंदर स्टोर कर सकते हैं या उनसे अन्य उपयोगी दूसरी सामग्रियां बना सकते हैं। सुनने में जबरदस्त लगता है ना? काश कि ऐसा होता भी। ब्लू हाइड्रोजन में ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट ज्यादा होता है। रॉबर्ट होवार्थ ऊर्जा जगत में हलचल मचा देने वाले एक अध्ययन के सह लेखक हैं। ब्लू हाइड्रोजन का ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट उस प्राकृतिक गैस से भी बुरा है जिसे आप बतौर ईंधन सीधे जला देते हैं। इसमें तो कम उत्सर्जन जैसी कोई बात ही नहीं है। तेल और गैस उद्योग ब्लू हाइड्रोजन बनाते समय करीब 90% उत्सर्जन को हटाने का अक्सर वादा करता है, लेकिन असलियत कुछ और है। मानवाधिकार NGO ग्लोबल विटनेस के आकलन के मुताबिक कनाडा में शेल कंपनी का ब्लू हाइड्रोजन का प्लांट अपने करीब आधे उत्सर्जन को ही रोके रख पाता है। कई बार गैस की प्रोसेसिंग और परिवहन के दौरान सप्लाई चेन में जगह जगह रिसाव होता है, इससे वायुमंडल में मीथेन जाती है। ये ग्रीन हाउस गैस CO2 के मुकाबले धरती को गर्म करने में 80 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसके बावजूद ब्लू हाइड्रोजन ने ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की आधिकारिक हाइड्रोजन रणनीतियों में अपनी जगह बना ली है। रिपोर्टों के मुताबिक इसके लिए लॉबिंग भी खूब हुई है। खुलकर कहें तो ये तेल और गैस उद्योग की प्रत्यक्ष रणनीति है। विज्ञान इसका समर्थन नहीं करता है, ये विशुद्ध मार्केटिंग है।
लक्ष्य है दुनिया को ये कहकर जीवाश्म ईंधन बेचते रहना कि हालात सुधारेंगे। तेल और गैस उद्योग का इस बारे में क्या कहना है, ये जानने के लिए हमने एक औद्योगिक समूह हाइड्रोजन काउंसिल से संपर्क किया, जिसमें कई बड़ी दिग्गज पेट्रोलियम कंपनियां हैं। दुर्भाग्य से उनके पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था। ब्लू हाइड्रोजन एक गलती है जो भविष्य में बहुत भारी पड़ेगी। ये हैं क्रिस जैक्सन, जिनकी कंपनी का फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पर है। लेकिन मैं नहीं मानता कि इसका हल इस पर बहस करने से निकलेगा। हल बेहतर प्रोजेक्ट और बेहतर टेक्नोलॉजी से निकलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन में हम यही करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आप पवन या सौर जैसे स्रोतों से अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इससे कोई उत्सर्जन नहीं होता और आखिरकार वाकई साफ हाइड्रोजन मिलती है। अभी हाइड्रोजन का छोटा सा हिस्सा ही ग्रीन है। ये दूसरी चीजों के मुकाबले अभी अच्छा खासा महंगा है, लेकिन ये बदलेगा दो वजहों से। पहली वजह है इलेक्ट्रोलाइजर सस्ते होने लगे हैं, क्योंकि हम उच्च स्तर के उत्पादन के जरिए ज्यादा बड़े प्रोजेक्टों की ओर रुख कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है। और दूसरी वजह, अक्षय ऊर्जा की लागत घट रही है। ब्लूमबर्ग NEF का आकलन है कि 2030 के आसपास ग्रीन हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन से और 2050 तक ग्रे हाइड्रोजन से सस्ता हो जाएगा। तो बस यही समस्या थी जो हल हो गई। हम लोग टन के टन ग्रीन हाइड्रोजन बना लेंगे और सभी अर्थव्यवस्थाएं उस पर चलेंगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक बड़ी चुनौती बचती है, हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत निम्न ऊर्जा घनत्व। प्राकृतिक गैस के मुकाबले उतनी मात्रा में हाइड्रोजन रखने के लिए 3 गुना ज्यादा जगह चाहिए, लिहाजा बहुत सारे भंडार गृह बनाने होंगे। ये इस पर निर्भर है कि दरअसल कितनी हाइड्रोजन चाहिए और ये कितने वाला सवाल ही पेचीदा है। अक्षय ऊर्जा अब भी दुर्लभ और बेशकीमती संसाधन है, इसका प्रभावशाली और कारगर इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रोजन इसका बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। हर चीज में हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बैटरी और हाइड्रोजन के इस्तेमाल में संतुलन खोजा जा रहा है। पैसेंजर कारें इसकी बड़ी मिसाल हैं। वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चल सकती हैं, लेकिन बिजली को हाइड्रोजन में बदलना, उसे रिफ्यूलिंग स्टेशनों तक लाना, उसे वापस बिजली में बदलने के लिए फ्यूल सेल में डालना, ये बहुत कारगर नहीं होता। इसमें करीब 60% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। विकल्प के तौर पर आप उसी ऊर्जा के इस्तेमाल एक लिथियम आयन बैटरी को सीधे चार्ज करने में कर सकते हैं, जिससे बिजली की मोटर चलती है। इसमें सिर्फ 20% ऊर्जा खर्च होती है। ट्रकों के मामले में बात थोड़ी अलग हो जाती है। लंबे समय से माना जाता है कि बैटरियां उनमें काम नहीं करेंगी। भारी ट्रकों को चलाने के लिए बहुत सारी बैटरियां चाहिए जो सामान की जगह घेरेंगी। चार्जिंग में लगने वाला लंबा समय भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन लगता है टेक्नोलॉजी की रेस जारी है। बैटरियां और ताकतवर बन रही हैं, चार्जिंग का समय भी घट रहा है। एक हालिया स्टडी बताती है कि भविष्य में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों का बोलबाला होगा। हाइड्रोजन हर चीज की दवा नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में इसकी अहमियत कायम है। तो यहाँ से हम कहाँ जाएं? हम लोग वाकई ऐसे मोड पर खड़े हैं जहाँ बहुत सारा समय, बहुत सारी कोशिशें और बहुत सारी गतिविधियाँ हाइड्रोजन के इर्द गिर्द बुनी जाने लगी हैं। 2022 से 2026 के बीच हमें इन गतिविधियों को हाइड्रोजन के असल महत्व और असल उत्पादन में ढाल देना होगा। इस दशक में नहीं कर पाए तो आगे क्लाइमेट गोल्स पूरा करना और मुश्किल होगा। तो यही वक्त है जब हाइड्रोजन साबित करे कि उसका प्रचार महज शिगुफा नहीं है।